Hello everyone, good morning all. Welcome again to our Vidya Bihar family. So we are back again with our daily lecture. So sorry guys, मैं कोशिश करता हूँ इस लेक्चर को 9 बजे से पहले लाने का, बट पर डे किसी न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये लेक्चर लेट हो जा रहा है. सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा अलाक्रिटी पार्ट. सो स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है चीयरफुल रेडीनेस, विलिंगनेस, यानी कि किसी चीज को सीखने की तत्परता, किसी चीज को लेकर उत्साह. ये पिक्चर देख सकते हैं, इन बच्चों में कितना उत्साह है, कितनी तत्परता है किसी चीज को लेकर. सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे. दे एक्सेप्टेड द ऑफर विद एलाक्रिटी, यानी कि उन लोगों ने ऑफर को एक्सेप्ट किया बहुत ही उत्साह के साथ, तत्परता के साथ. सिनोनिम्स देखेंगे ब्रिस्कनेस, चीयरफुलनेस, एंथुसियाज्म. एंटोनिम्स देखेंगे लिथर्जी, कूलनेस, डिस्करेजमेंट, यानी कि उतना ज्यादा उत्साह ना रहना, तत्परता ना रहना, आलसी टाइप का. इंग्लिश के अच्छे फैकल्टी को देखकर स्टूडेंट में अलाक्रिटी आ गया इंग्लिश सीखने को लेकर, इंग्लिश पढ़ने के लिए. यानी कि इंग्लिश के अच्छे फैकल्टी को देखकर स्टूडेंट में तत्परता आई, उत्साह आया कि अब वो लोग भी इंग्लिश सीखेंगे. चलते हैं हमारे सेकेंड वर्ड की ओर, जो कि है हमारा कोहेर. पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भाव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है एग्री करना, अनुकूल होना किसी चीज को लेकर. ये पिक्चर देख सकते हैं, सभी लोगों ने किसी एक बात को लेकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, यानी कि अपनी सहमति दी. इट कैन बी डिफिकल्ट टू गेट अ ग्रुप ऑफ पीपल टू कोहेर, यह बहुत ही मुश्किल काम है कि ग्रुप ऑफ एक ग्रुप ऑफ पीपल को किसी एक बात पर अनुकूल करना. कभी ना कभी किसी ना किसी एक का माइंड जो होता है उसके प्रतिकूल जरूर हो जाएगा, वो उस बात को लेकर एग्री नहीं करेगा. With the support of China, Nepal is not anymore coherent to India. यानी कि चाइना के सपोर्ट के कारण नेपाल अब किसी भी रूप से भारत के अनुकूल नहीं चलेगा, भारत के किसी भी बात पे वो एग्री नहीं होगा. सिनोनिम्स देखते हैं accord, harmonize, confirm. एंटोनिम्स देखते हैं disagree, refuse, fight. अगर ग्रुप के सारे लोगों का डाउट क्लियर हो जाए तो वो लोग एक डिसीजन को लेकर कोहेर हो जाते हैं, यानी कि अगर सबका माइंड क्लियर हो जाए, सबके पूरे डाउट को क्लियर किया जाए, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझाया जाए, तो वो किसी एक चीज को लेकर, किसी एक पॉइंट पे लोग को लेकर एग्री हो जाएंगे, कोहेर हो जाएंगे. चलते हैं हमारे थर्ड वर्ड की ओर, जो कि है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के अंदर आता है, वो है ट्रेवल. इसका मतलब होता है पेनफुली डिफिकल्ट और बर्डनसम. ट्रायल यानी कि बहुत ही ज्यादा परिश्रम, घोर श्रम, कष्ट. ये पिक्चर देख सकते हैं कि इस बंदे के 8-9 हाथ दिखाए गए हैं, यानी कि ये बंदा काफी परिश्रम कर रहा है. अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको परिश्रम करना ही होगा, आप उससे नहीं भाग सकते. मदर्स नो द ट्रेवल ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, एक माँ ही बता सकती है कि बच्चे को जन्म देने में कितना घोर कष्ट होता है. सिनोनिम्स देखते हैं एगोनी, एंग्विश, ट्रिबुलेशन. एंटोनिम्स देखेंगे कंफर्ट, हैप्पीनेस, पीस, यानी आराम, आनंद के साथ. किसी सामान को सेल करने में कितना ट्रेवल होता है ये एक सेल्समैन ही बता सकता है, यानी कि एक सामान को बेचने में आपको कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना कष्ट होता है, ये अगर आपको जानना है तो एक सेल्समैन से जाके पूछो. चलते हैं आज के फोर्थ वर्ड की ओर, जो कि है हमारा अविजमल. पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड और सीवियर, यानी कि बहुत ही खराब, अथाह. ये पिक्चर देख सकते हैं कि इस हॉस्पिटल का कंडीशन कितना खराब है, एक बेड पर दो दो तीन तीन लोग लेटे हुए, यानी कि बहुत ही खराब है. विराट कोहली एंड टीम सेट अविस्मल रिकॉर्ड आफ्टर लॉस इन पर्थ टेस्ट. पर्थ टेस्ट हारने के बाद विराट कोहली और उनके टीम ने बहुत ही खराब रिकॉर्ड बनाया. द गवर्नमेंट पॉलिसी टू टैकल द COVID-19 इज वेरी अविस्मल, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी COVID-19 को टैकल करने के लिए जो है वो बहुत ही खराब है. सिनोनिम्स देखते हैं इमेजरेबल, एक्सट्रीम, एंडलेस, यानी कि एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ, अथाह. एंटोनिम्स देखते हैं नॉर्मल, लो, लिमिटेड, यानी कि उतना ज्यादा नहीं, नॉर्मल या फिर एक लिमिट में. धोनी के डिसमिसल के बाद ही वर्ल्ड कप में भारत का सिचुएशन बहुत खराब हो गया था. आपको पता है सेमीफाइनल में धोनी के रन आउट होते ही भारत का सिचुएशन अबिस्मल हो गया था, खराब हो गया था. चलते हैं आज के लास्ट वर्ड की ओर, जो कि है हमारा इनविजेज. पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है परिकल्पना करना, विचार करना. ये तो बहुत ही फेमस चीज है, बहुत फेमस स्टोरी है. ये कछुआ पहले से इनविजेज कर रहा था कि ये खरगोश अपने फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया होगा, इसलिए वो कभी रुका नहीं, वो चलते रहा और ये खरगोश आराम करने लगा, जिसके कारण से ये हार गया और ये कछुआ
रेस जीत गया। Nobody can envisage the consequences of total nuclear war, यानी कि कोई भी परिकल्पना तक नहीं कर सकता कि न्यूक्लियर वार का क्या परिणाम हो सकते हैं। We do not envisage the an economic growth for at least another 2 years. पता है आपको कोरोना वायरस के कारण कोई भी अभी ये परिकल्पना नहीं कर सकता कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, यानी कि आर्थिक स्थिति सुधरेगी कम से कम एटलीस्ट अगले 2 सालों तक। सिनोनिम्स देखते हैं, विजुअलाइज, इमेजिन, कंसिडर, एंटोनिम्स देखेंगे, इग्नोर, डिसरिगार्ड, रियलिटी। विंटेज सचिन तेंदुलकर के बैटिंग को देखकर लोग इन्विजेज करने लगते हैं कि काश सारे बैट्समैन वैसे ही होते हैं। लोग परिकल्पना करने लगते हैं कि काश अभी भी कोई ऐसा बैट्समैन आए जो कि ऐसा स्ट्रेट ड्राइव मारे, अपर कट मारे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। और हाँ गाइज, ये वीडियो लेट हो सकता है बट इसकी क्वालिटी कभी खराब नहीं होगी, मैं आपको बेस्ट क्वालिटी दूंगा, इसका प्रॉमिस है। और ये लेक्चर पर डे आएगा ये आपको ऑलरेडी पता ही है, मैं कोशिश करता हूँ उसको 9 बजे से पहले लाने की। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू वंस अगेन।